Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. Ji, viewers, aaj maine kyun sara kaha end tak tourers tak, kyunki aaj viewers main jo do bikes ka technical comparison karne laga hu aur comparative statement aapko yani show karunga bilkul side by side. Aur kaun si do motor bikes, bilkul ji, Honda CB125F वर्सेस होंडा CB150F. अच्छा, इनमें क्या क्या फ़र्क है मैं आपको बिल्कुल साथ साथ रख के बताऊंगा, वरना आमतौर पर होता है कि एक चीज़ के जी वो टेक्निकल स्पेक्स बता रहे हैं और दूसरे के साथ नहीं बता रहे, तो वो जहन में रहते ही नहीं है कि जी इसका क्या था और इसका क्या था. इसलिए मैं दोनों के आपको साथ साथ ऑन स्क्रीन भी लिखा हुआ दिखाऊँगा. अच्छा जी व्यूअर्स, तो पहले यानी जो पहले आएंगे वो CB125F के हैं और जो अगला वाला है वो होंडा CB150F के ऊपर भी टाइटल मैंने दिया हुआ है, तो ये आप जहन में रखें. अच्छा जी व्यूअर, सबसे पहले हम इंजन पे आते हैं. इंजन जो हमें CB125F में मिल रहा है वो मिल रहा है 4-stroke 125cc OHV एयर कूल्ड इंजन. अच्छा, अब जो CB150F में मिल रहे व्यूअर्स वो मिल रहे 4-stroke SOHC 150cc एयर कूल्ड विद बैलेंसर. ठीक है, इसमें अब एक तरफ OHV इंजन है CB125 में और होंडा 150 में आ गया OHC इंजन आ गया और विद बैलेंसर आ गया, यानी कि जो CB125F है उससे बैलेंसर नहीं है जिससे वाइब्रेशन कंट्रोल होती है. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं व्यूअर्स बोर एंड स्ट्रोक. पहले मैं आपको बताता हूँ CB125F का जो है बोर वो है 56.5 mm और जो स्ट्रोक है वो है 49.5 mm, और जबकि CB150F पे आए तो उसका है 57.3 mm बोर और 57.8 mm स्ट्रोक है. कंप्रेशन रेशो पे आ जाएं. अच्छा, 9.0:1 ये है CB125F का, जबकि CB150 का है 9.1:1. अच्छा जी, ट्रांसमिशन पे आए, ऑब्वियसली दोनों की 5-speed कॉन्स्टेंट मैश और CB150 की भी 5-speed कॉन्स्टेंट मैश. डिफरेंस क्या है कि जो CB125 है उसके सारे फ्रंट पे लगते हैं 5 gears और जो CB150F है उसका रिटर्न शिफ्ट है जो इंटरनेशनली चल रहा है. अच्छा जी, स्टार्टर सिस्टम क्या क्या है. CB125F में सेल्फ स्टार्ट भी दिया है, किक स्टार्ट भी दिया है. CB150F में भी सेल्फ स्टार्ट भी दिया है और किक स्टार्ट भी दिया है. अच्छा, फाइनल ड्राइव अब ऑब्वियसली कि जी क्या जो व्हील तक जा रही है ड्राइव, रोलर चेन CB125F में भी है और CB150F में भी रोलर चेन मिल रही है. अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स हम आ जाते हैं डायमेंशंस पे. वो डायमेंशन में क्या होता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई. अच्छा, सबसे पहले CB125F की जो लेंथ है वो है व्यूअर्स 2043 mm. अच्छा, उसके बाद विड्थ है 742 mm और जो हाइट है वो है 1095 mm. ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ होंडा CB150F की जो है लेंथ है वो है 2051 mm. अच्छा, विड्थ है उसकी 760 mm और जो हाइट है वो है 1085 mm. अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है सीट हाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. CB125F की जो है सीट हाइट है वो है 789 mm, जबकि CB150F की सीट हाइट है 766 mm, यानी सीट हाइट CB125 जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा है.
अच्छा उसके बाद आ जाते हैं व्यूअर्स, ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। CB125F की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 120 mm, और CB150F की जो है वो है 168 mm। बड़ी इम्प्रेसिव है मतलब ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि ऑफ रोडिंग जब आप जाते हैं तो बड़ा काउंट करता है, मैटर करता है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं व्यूअर्स, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो है CB125F की है 12.3 लीटर्स, और रिजर्व में ये रखता है 2.7 लीटर्स। और CB150F में आ जाएँ तो उसकी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स है, और रिजर्व में ये 1.4 लीटर रख रहा है, यानी रिजर्व में CB150F उससे कम रख रहा है। अच्छा बाकी व्हील्स अलॉय रिम्स CB125F में भी दिए हैं और CB150F में भी दिए हैं, दोनों में अलॉय रिम दिए हैं और बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा व्हील बेस पे आ जाते हैं, अगले और पिछले व्हील का डिस्टेंस। व्हील बेस CB125F की है व्यूअर्स 1294 mm, यानी 1294 mm। उसके बाद अगर CB150F में आ जाएँ तो वो है 1311 mm, 1311 mm CB150F की ज़्यादा है। अच्छा फ्रंट पे टायर जो दिया हुआ है CB125F के दिए 2.75 18 rim के साथ डैश 18, जबकि CB150F में दिया है 80/100-18, यानी रिम 18 है। अच्छा टायर जो बैक पे दिए 90/90/18 CB125 में दिया, और CB150F में भी दिया 90/90/18, यानी बिल्कुल सेम है। अच्छा सस्पेंशन एट फ्रंट यानी शॉक्स का ट्रैवल जो है CB125F का जो है व्यूअर वो है 119 mm, और टेलीस्कोपिक फोर्क हैं। अच्छा जबकि अगर आएँ तो CB150F के हैं 107 mm टेलीस्कोपिक फोर्क। अच्छा यहाँ ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है व्यूअर्स उसका जो CB125F के फ्रंट शॉक्स का, मतलब वो काफ़ी यानी इधर से फील होता है कि वो ऑफ रोड में भी या खड्डों वड्डों में काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा अब आते हैं जी सस्पेंशन, बैक सस्पेंशन पे, सस्पेंशन एट बैक। तो CB125 mm की जो वो दिया हुआ है स्विंग आर्म, और उसकी जो है 76 mm ट्रैवल है। और अब आ जाते हैं CB150F के, स्विंग आर्म ही है ऑब्वियसली, उसका 91 mm है, यानी उसका ट्रैवल ज़्यादा है, यानी बैक पे ज़्यादा उसमें उसके लचक ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं व्यूअर्स ड्राई वेट, जो ड्राई वेट है CB125F का वो है 122 kg, और जबकि CB150F का जो ड्राई वेट है वो है 124 kg, यानी सिर्फ 2 kg का फ़र्क है वेट में। अब ये मैंने व्यूअर्स टेक्निकल कंपैरिजन आपको बताया, और प्राइसेस का तो आपको पता ही है, और ये मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर देता हूँ, और जबकि आपको पता है कि CB125F जो है उसमें दो वेरिएंट्स हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, और लेकिन ये मैं जो फुल जो है वर्जन उसका मैंने ये प्राइस दी है, तो आपके लिए इजी है व्यूअर्स डिसाइड करना कि आपने कौन सी मोटर बाइक लेनी है, और जो दोनों का प्राइस डिफरेंस है क्या वो जस्टिफाई करता है या नहीं करता। व्यूअर्स ऐसे ही टेक्निकल कंपैरिजंस में और भी लाऊंगा आपके लिए। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।